अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे फास्ट डिनर। डिनर ऐसा डिनर जो जल्दी भी बने और टेस्टी भी बने। तो अगर आप लेट हो गए पकाने के लिए डिनर, तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। जो अगर आपके पास खाली सब्ज़ियां हैं, आलू, बटाने, गाजर, शिमला मिर्ची, तो आप इन सब से एक अच्छा मज़ेदार डिनर बना सकते हैं, जो जल्दी भी हुए, फास्ट भी होगा और टेस्टी भी होगा। तो हम इसमें मटन का खीमा डाल के बना रहे हैं। आप चाहे तो बिना मटन के भी बना सकते हैं, सिर्फ सब्ज़ियाँ डाल के। तो चलिए हम बताते हैं इसे, हमें इसके लिए क्या क्या लगेगा। हमने चार इस तरह के मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जो टोटल 150 ग्राम है, और एक शिमला मिर्ची लगेगी हमें, जो हमने मीडियम साइज़ की ली है, और आधा कप हमने फ्रेश मटर के दाने लिए हैं आधा कप, और एक चिकन स्टॉक लगेगा हमें बाद में सब्जियों में डालने के लिए, और दो प्याज की डल्ली ली हमने, दो तीन हरी मिर्ची और दो से तीन गाजर लिए हमने। इस तरह से हमने इसका छिलका निकाल कर इससे हम क्यूब टाइप में काट लेंगे, और हरी मिर्ची आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हमने फीकी वाली हरी मिर्ची ली है, काकड़ा मिर्ची, और हम इसमें लाल मिर्ची भी डाल रहे हैं, इसलिए हम इसमें तीन हरी मिर्ची डाल रहे हैं। आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो इन सबको हम बारीक क्यूब टाइप में काट लेंगे, और हमें हरा धनिया लगेगा, जो हमने 4 से 5 टेबल स्पून लिया है, जो हम आधा खीमे में और आधे सब्ज़ी में डालेंगे। तो खीमे में डालने के लिए हमें, जो हमने मटन का खीमा लिया है, इसके लिए हमें ये मसाले लगेंगे। इसके लिए हमने 1 टीस्पून धनिया पाउडर, बिल्कुल 1/4 टीस्पून काली मिर्ची ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून हमने लाल मिर्ची पाउडर लिया है, जो कश्मीरी है, फीकी है, और 1 टीस्पून हमने जिंजर पाउडर लिया है, इस तरह का एवरेस्ट का, ये इस तरह का, ये 1 टेबल स्पून लिया है, और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून लगेगा हमें, और धनिया पाउडर लिया है हमने 1 टीस्पून, और अनियन पाउडर लिया है हमने, ये अनियन पाउडर है, जो बिल्कुल 1/2 टीस्पून है। तो ये सब हम मटन के खीमे में डालने वाले हैं, और लहसुन लगेगा हमें, लहसुन लिया हमने 4-5 कलियाँ, इसे हम खीमे में घिस के डालेंगे, और चीज़ हमें बाद में ऊपर से डालने के लिए हमें 2 से 3 टेबल स्पून चीज़ लगेगा, और ये ग्रीन केचप, इस तरह का ग्रीन केचप लिया हमने, और रेड चिली सॉस लिया हमने, जो हम 1-1 टेबल स्पून खीमे में डालने वाले हैं, और अंडे हमें 4 लगेंगे। हम मटेरियल के हिसाब से अंडे डालेंगे, अगर हमें लगेगा मटेरियल ज़्यादा है तो हम 1 अंडा और लेंगे, अभी हमने 4 अंडे लिए हैं। तो सबसे पहले हमें खीमे में ये सब मसाले मिला मिक्स करके प्याज डाल के खीमे को सबसे पहले हम बघार लेंगे, फिर ये सब्जियों को बारीक चॉप करके इसे शक्कर डाल के बॉईल कर लेंगे। आलू को अलग बॉईल करेंगे, और गाजर मटर के दाने और शिमला मिर्ची को हम अलग बॉईल करेंगे। बस हल्का सा हमें गर्म पानी में से डालकर बस निथार लेना है, छन्नी में निकाल लेना है। तो चलिए बहनों, सबसे पहले हम मटन में खीमे में ये सब मसाले मिला लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये मटन में ये सब मसाले मिला ये सब मसाले जो रखे थे हमने, ये सब डाल देंगे इसमें। इस तरह से इसमें सब मसाले डाल देंगे, और लहसुन भी खिस लेंगे। इसमें ये हरा धनिया जो रखा था हमने, ये बारीक चॉप करके डाल देंगे इसमें। इस तरह से इसे हम
इस तरह से इसमें हम ये हरा धनिया डाल देंगे। और जो ये लहसुन रखा था ये भी इसमें हम खिसके इस तरह से डाल देंगे। पूरा लहसुन इसी तरह हम डाल देंगे। तो हमने इसमें पूरा लहसुन डाल दिया है। अब इसमें हम ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस डालेंगे, एक एक चम्मच। इस तरह से हम एक टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस डाल रहे हैं। इस तरह का मार्केट में मिल जाता है ये ग्रीन चिली सॉस, जो हरी हरी मिर्ची का होता है। और एक एक टेबल स्पून चिली सॉस और नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे हम। आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। पाव टीस्पून लगेगा हमें बस नमक। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा कीमा अच्छे से मिक्स हो गया है। चलिए अभी इसे हम एक कुकर में बघार लेंगे। बस एक सीटी होने उतना इसे गलने देंगे। ये आलू को हम इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स में काट। इसी तरह से हम प्याज और गाजर को भी इसी टाइप के काट लेंगे। क्यूब्स टाइप में काटना है हमें गाजर को भी। गाजर को हमें इस तरह से ये इसके अंदर का निकाल के क्यूब्स टाइप में काट लेंगे। ये इस तरह से हमें इसमें का निकालना है इस तरह से। और फिर इसे इस तरह से हम काट लेंगे। इसी तरह हम शिमला मिर्ची और प्याज को भी क्यूब्स टाइप में काट लेंगे। तो चलिए इस तरह हम पूरे गाजर को काट लेंगे। सबसे पहले हम कुकर में बस एक टेबल स्पून उतना तेल डालेंगे। और प्याज को हमने अच्छे से चॉप कर दिया है। तो हम सबसे पहले इसमें प्याज डालेंगे। ये इस तरह से हमने प्याज को क्यूब्स टाइप में चॉप कर दिया। तो सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे। अच्छे से भूनेंगे। इसे हल्की सी गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे भूनेंगे। फिर उसके बाद इसमें हम कीमा डाल देंगे। एक दो मिनट तक इसे भूनेंगे। फिर उसके बाद कीमा डाल देंगे। ये प्याज हमारी दो मिनट से पक रही है और इसमें हम कीमा डाल देंगे। अब इसमें हम ये कीमा जो रखा था ये डाल देंगे। इसे अच्छे से भूनेंगे हम। जो चिकन क्यूब्स रखा था वो इसमें हम डाल देंगे। ये चिकन क्यूब्स इसमें हम कीमे में डाल देंगे इस तरह से। फिर इसे हम 4 से 5 मिनट तक कुकर लगा के इसे होने देंगे। थोड़ा कीमा गले तक, बस हमें इसे कीमा गलने तक ही होने देना है। बिल्कुल आधा एक टेबल स्पून उतना ही पानी डालेंगे हम इसमें। बस इतना ही पानी डालेंगे हम इसे इसमें, क्योंकि हमें इसको एकदम सूखा रखना है, क्योंकि इसमें हमारे अंडे भी डालने वाले हैं। इसलिए हम कीमे को
इसका पानी को बिल्कुल सुखा देना है हमें, तो इसे गलने तक ही बस हमने एक टेबल स्पून इतना ही पानी डाला है इसमें। अब इसे लगा लेंगे हम सीटी होने तक। चलिए एक भगोने में हम ये पानी डाल देंगे 1 लीटर उतना, ताकि इसमें हम आलू उबालेंगे, आलू उबाल सके, और फिर शक्कर डाल देंगे इसमें हम, ये 1 टेबल स्पून हम इसमें शक्कर डाल रहे हैं। बस इसे बॉईल होने देंगे। फिर हमने ये आलू को इस तरह से बारीक क्यूब्स में काट लिया है, इसे बस 2 से 3 मिनट तक बॉईल होने देंगे। फिर इसे निकाल कर फिर गाजर और मटर डाल के निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें आलू डालेंगे, ये सबसे पहले हम इसमें ये आलू डाल देंगे ऐसे 2 से 3 मिनट तक बॉईल होने देंगे। ये आलू हमारे 2 मिनट से बॉईल हो रहे हैं, ये अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे, कटोरे में निकाल लेंगे हम इसे। इस तरह से इसे निकाल लेंगे। फिर इसके बाद इसमें हम गाजर, और सबसे पहले हम गाजर डालेंगे क्योंकि गाजर थोड़े सख्त होते हैं, तो इसलिए हम पहले गाजर डालेंगे। इसके बाद फिर हम इसमें बटाने और शिमला मिर्च डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये जो गाजर चॉप करके रखे हैं ये डाल देंगे। फिर इसी में हम बटाने और शिमला मिर्ची डाल देंगे। एक से दो मिनट उसे बॉईल होने देंगे, फिर हम उसके बाद ये बटाने डालेंगे इसमें। तो चलिए अब हम इसमें ये बटाने डाल देंगे। इससे सिर्फ बस हमें 1 मिनट तक और बॉईल होने देना है। फिर आखिर में शिमला मिर्ची डाल के इस तरह से शिमला मिर्ची को भी हमने चॉप कर दिया है। बस शिमला मिर्ची डाल के बस हम पानी में रहने देंगे गरम, और इसे छान लेंगे। शिमला मिर्ची को हमें बॉईल नहीं करना। चलिए अब इसमें हम शिमला मिर्ची भी डाल देते हैं, और अब गैस को बुझा देंगे। तरह से ये हमारे अच्छे से हो चुके हैं। अब इसे हम एक छन्नी में निथार देंगे। ये जो हमने मटन का कीमा जो बॉईल कुकर में लगाया था, इसे हमने बस 2 सीटी होने तक इसे गलने दिया है। इसमें अब हम ये आलू मटर के दाने और गाजर की सब्ज़ी मिला के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा और 1 टेबल स्पून तक तेल डालेंगे हम, और नमक हमें और लगेगा। सबसे पहले हम इसमें आलू डालेंगे। आलू को अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। अच्छे से पानी को सूखने देंगे हम इसका। फिर उसके बाद इसमें ये जो बटाने शिमला मिर्ची रखी थी ये मिक्स कर देंगे। इसे निखार दिया था एक साथ ही। बहुत ही अच्छे से टेस्टी डिनर है ये बने। आप घर में आप पूरी ट्राई करो से जो बने वेजिटेरियन है वो लोग बिना मटन के भी इसे बना सकते हैं। सिर्फ अंडे डाल के और सब्जी डाल के इसे अच्छी तरह से हम सूखने देंगे। इसका पानी पूरी अच्छी तरह से। फिर इसके बाद इसमें हम हरा धनिया और जो हरी मिर्ची रखी थी हम वो डाल देंगे, मिला लेंगे।
तो इसे अभी हम 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। उसके बाद इसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची और फिर अंडे हमें जितने लगेंगे उतने इसमें अंडे डाल देंगे। और एक बेकिंग ट्रे लेंगे हम केक की, वो इसमें हम इसे सेट करेंगे। ये हीमा हमारा आलू मटन वाली सब्ज़ी हमारी 5 मिनट से अच्छे से पक रही है, अच्छे से सूख गया इसका पानी। अब इसमें ये हम हरा धनिया और हरी मिर्ची आधी इसमें डालेंगे, आधी अंडों में फेंट कर डालेंगे। तो चलिए अब हम ये अच्छे से पक चुका है, इसे गैस बंद कर देंगे। इसे ठंडा होने के बाद इसमें हम अंडे मिलाएंगे। हमने ये 4 अंडे जो रखे थे वो लिए हैं, और इसमें हम ये हरी मिर्ची और कोथमीर जो रखी थी वो डाल देंगे। अब थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो चलिए इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। और जो हमने मटेरियल रखा था उसमें मिक्स कर देंगे। तो ये अंडे जो हमने फेंट के रखे थे वो इसमें मिक्स कर देंगे, इस तरह से मिला लेंगे। अगर हमें लगेगा तो ही हम इसमें एक और अंडा मिलाएंगे, नहीं तो 4 ही काफ़ी। हमें काफ़ी लग रहा है, 4 अंडे काफ़ी है, बस अब इससे हम एक बेकिंग ट्रे में सेट होने के लिए रख देंगे। तो हमने इस तरह की ये बेकिंग ट्रे ली थी, इसको हमने इस तरह से मैदा लगा के, बटर और मैदा लगा के इस तरह से इसे डस्ट करके बटर पेपर लगा दिया है। अब इसमें हम ये डाल देंगे। अब इस पे हम 1 से 2 टेबल स्पून उतना चीज़ खिस के डाल देंगे। ये हमारा अच्छे से सेट हो गया है। इससे हम ये चीज़ खिस लेंगे। तो चलिए बहनों, इसे हमने ओवन को 200 डिग्री पे अच्छे से गर्म करके रखा है। उसमें हम 30 से 25 मिनट होने तक, जितना से टाइम लगेगा उतने टाइम 30-35 मिनट पे हम रख लेंगे इसे, दोनों कॉइल चालू रख के, फिर हम देखते कितना टाइम लगता है। तो चलिए इसे हम बेक करेंगे। ये हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। हमने इसे 30 मिनट रहने दिया था 200 डिग्री से 180 पे, तो ये अच्छे से बेक हो चुका है। अब इसे हम इस तरह के चेरी टमाटरों से इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो लीजिए, ये हमारा डिनर केक तैयार है, जिसे आप सब्जी वाला केक भी कह सकते हैं। तो इसे हमने चेरी टमाटर से गार्निशिंग की है। अब इसे हम काटेंगे। चलिए इसे अब हम इस तरह से इसे काट। इस तरह से हमने इसे काट लिया है। इसे अब हम ब्रेड में इस तरह से स्लाइस करके इसे ब्रेड में लगाकर, हमने ये ब्रेड को सेक कर टमाटर के सॉस और इसको रखकर ब्रेड में खाएंगे।